हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों, कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के यंगेस्ट और हाईली पेड एक्टर्स में से एक है। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के नए चॉकलेट बॉय बन चुके हैं और इस मकाम को हासिल करने के लिए कार्तिक आर्यन का बॉलीवुड में सफर बहुत कठिन रहा है। दोस्तों, आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन की। कार्तिक का रियल नेम कार्तिक तिवारी है और इनका निकनेम कुकी और गुड्डू है और इनका स्क्रीन नेम कार्तिक आर्यन है। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 1988 को ग्वालियर मध्य प्रदेश इंडिया में हुई और 2020 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 30 साल। दोस्तों, कार्तिक आर्यन ने अपनी स्कूलिंग सेंट पॉलिस स्कूल ग्वालियर से की है और दोस्तों, कार्तिक आर्यन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डीवाई पैटिल कॉलेज नेवी मुंबई से की है। कार्तिक आर्यन बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, इसलिए कार्तिक अपने पेरेंट्स को अपनी एक्टिंग के पेशन के बारे में नहीं बता पाते थे, क्योंकि इनकी फैमिली भी यही चाहती थी कि कार्तिक एक डॉक्टर बने। कार्तिक आर्यन प्रोफेशन के हिसाब से एक एक्टर, मॉडल और यूट्यूबर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कार्तिक के कैरियर की। दोस्तों, कार्तिक ने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। 2011 में जब कार्तिक कॉलेज के थर्ड ईयर में थे, तब इन्हें प्यार का पंचनामा मूवी की ऑफर हुई और इस मूवी में कार्तिक ने 5 मिनट और 26 सेकंड का मोनोलॉग दिया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आते ही सुपरहिट हो गई। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और इसके बाद 2014 में कार्तिक कांची मूवी में नजर आए, लेकिन ये मूवी बड़े पर्दे पर आते ही डिजास्टर बनकर सामने आई। लोगों ने इस मूवी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया। दोस्तों, कार्तिक का बॉलीवुड में सक्सेस का सफर 2018 में शुरू हुआ जब कार्तिक ने सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी में काम किया और ये मूवी उनके कैरियर की हाई रेटेड मूवी थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धूम मचा दी। दोस्तों, 2020 में कार्तिक सारा अली खान के साथ लव यू आजकल में नजर आए, लेकिन इस मूवी को बहुत क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 31 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। कार्तिक ने अपने कैरियर में बहुत सारी हिट मूवीज की हैं, जिनके नाम हैं सोनू के टीटू की स्वीटी, पति पत्नी और वो, लुका छुपी और प्यार का पंचनामा। दोस्तों, आपको कार्तिक की कौन सी मूवी पसंद है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन के अवार्ड्स की। दोस्तों, कार्तिक को बहुत से आईफा, फिल्म फेयर और जी सिन अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनकी मूवीज प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी और पति पत्नी और वो की वजह से। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं कार्तिक आर्यन की फैमिली से। कार्तिक आर्यन के फादर का नेम है मानेश तिवारी और इनकी मदर का नेम है माला तिवारी और इनकी सिस्टर का नेम है कीतू तिवारी और कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड का नेम है सारा अली खान। चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं कार्तिक आर्यन के मनी फैक्टर पर। दोस्तों, कार्तिक आर्यन पर मूवी 15 से 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इनकी ज्यादातर इनकम इनकी ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है, जिसके वो 7 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा कार्तिक आर्यन ने 10 करोड़ रुपए की कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, जिससे इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और दोस्तों, कार्तिक आर्यन की नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कार्तिक के हाउस की। दोस्तों, कार्तिक आर्यन अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहते हैं और 2020 के हिसाब से कार्तिक के इस घर की प्राइस है 3 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कार्तिक की कार्स कलेक्शन की। दोस्तों, कार्तिक को लग्जरियस कार्स रखने का बेहद शौक है और कार्तिक की टोटल कार्स वर्थ की प्राइस है 6 करोड़ रुपए। दोस्तों, कार्तिक के पास स्कोडा कोडियक है, जिसकी प्राइस है 75 लाख रुपीज और इसके अलावा कार्तिक के पास BMW 5 सीरीज है, जिसकी प्राइस है 90 लाख रुपीज। इसके अलावा दोस्तों, कार्तिक आर्यन के पास रोलस रॉयस है, जिसकी प्राइस है 1.2 करोड़ रुपीज और इसके अलावा कार्तिक आर्यन के पास रॉयल इनफील्ड बाइक है, जिसकी प्राइस है 70 लाख रुपीज। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो खत्म हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और नीचे कमेंट सेक्शन में कार्तिक आर्यन की एक्टिंग और पर्सनैलिटी के बारे में अपने कमेंट्स लाजमी दें और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।